क्या बोला? जो इंडिया में रहता है सब हिंदू है। सब हिंदू कैसे हो सकता है? सब हिंदू मानते हो? अरे उनसे जाके पूछो, मेरी जातिवाद नष्ट करो, उनसे जाके पूछो धर्मवाद नष्ट करो। भगवान भागवत ने कहा कि जो हिंदुस्तान में रहता है, इंडिया में रहता है, वो हिंदू है। सबसे सरकार चलती है आरएसएस के साथ। अरे खुद का नाम लक्ष्मण है। आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम लक्ष्मण भगत है। लक्ष्मण भगत, हाँ जी। लक्ष्मण जी आप बताइए कि आपकी समस्याएं क्या क्या है? समस्या तो बहुत सारी है पब्लिक की। लेकिन आप किस लिए आए हो? वो समस्या आपकी बहुत सारी है ना, वही जानने आए। जब चुनाव होते तभी समस्या देखने को आते हो आप? चुनाव आपने, चुनाव 5 साल के बाद, तब तो कुछ नहीं दिखा। 27 साल से बीजेपी को चुना के रखा हुआ है आप लोगों ने। अरे बीजेपी कोई भी पार्टी हो, जो भी पार्टी चुन के आती है, प्रधानमंत्री आता है, चुनके सब आते हैं, पब्लिक उनके लिए काहे के लिए चुन के देती है? पब्लिक सेवा के लिए क्या? अपना हुकुम से चलाने के लिए? वही बताइए, सेवा हो रही है नहीं हो रही है? क्या सेवा हो रही है इधर? गरीबों को कुछ होने हो रही? इतनी महंगाई बढ़ गई, बेकार है, गरीबों को आरक्षण नहीं है। हाँ, सब हमारे पढ़े लिखे लोग, ग्रेजुएशन सब बेकार लोग है, क्या करते हैं? आरक्षण नहीं बचा। हाँ, क्या आरक्षण? आरक्षण खाली नाम का आरक्षण बढ़ाते है, क्या आरक्षण देते गवर्नमेंट? हाँ, अभी 10% तुम जो लोगों को आरक्षण दिया बिना आंदोलन का, 10% पास कर दिया आर्थिक आधार पे। हाँ, आर्थिक आधार पे, संविधान पे कोई मुद्दा है क्या? हाँ, ये कैसा राजनीति है? कौन से संविधान पे गवर्नमेंट का? आज तो संविधान पे काम किया होता ना, ये भारतीय संविधान के ऊपर चढ़ गया। लोग कहते हैं कि कब तक आरक्षण मांगते रहोगे? हाँ, जब तक लोग आर्थिक बराबरी नहीं होती है। अभी आर्थिक बराबरी नहीं हुई है। कहाँ बराबरी? बंगला बना के दिया है क्या? क्या बंगला है क्या? झोपड़ी अच्छी थी इससे या कितना तकलीफ है? घर वे जो VIP सोसाइटी में घर बैठता है, उतना घर बैठा होता है, टैक्स आता है उसमें, इससे ज्यादा टैक्स आता है। तो ये किसने बना के दिया? बीजेपी ने। ये किसने बना के दिया? तो गवर्नमेंट आधा भी है, जो आधा इसमें गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार, राज्य सरकार का, कॉर्पोरेशन का है। अच्छा, इसमें से फिर भी लोगों को ब्याज बढ़ा, जो चक्रवर्ती ब्याज बढ़ा पाया उसमें। अच्छा, उसमें भी ब्याज भर रहे हैं। तो ब्याज बढ़ा रहे ना लोगों को। 4,000 का मतलब 40,000 का टारगेट था, उसमें 4,000 लोगों के पास से डिपॉजिट लिया क्या? डिपॉजिट लेने के बाद 37,000 भरने का था। अभी लोग गरीब है, कोरोना पीरियड गया, लोग कितने मर गए। अभी किधर से भरे? काम धंधा नहीं है लोगों को, कहाँ से भरेगा टैक्स? और वो धमकियाँ देते हैं आपको खाली करना तो पड़ेगा। गुजरात में तो इतना विकास हुआ है मोदी सरकार में, मोदी राज में। मोदी राज में विकास हुआ नहीं होगा? पहले से नहीं हुआ, कुछ ना कुछ तो हुआ ना। खाली मोदी ने 14 साल में कर दिया क्या विकास? अच्छा, मोदी ने नहीं किया, पूरा विकास हुआ देश का। तो विकास कब से हो रहा था? आजादी हुई तब से कुछ नहीं हुआ, अंग्रेजों ने कुछ काम नहीं किया। अच्छा, हाँ, कांग्रेस ने किया, जो भी काम किया दलितों के लिए काम किया। अच्छा, अंग्रेजी राज में अंग्रेजों पे पहुंच गए। मैं बोलता हूँ गरीबों को नौकरियां देती, सैनिक में नौकरियां थी। बाबा कुछ ज्यादा ही आगे पहुंच गए, अंग्रेजों तक पहुंच गए। हम सरकार की पूछ रहे हैं, हम सरकार की पूछ रहे हैं। समस्या बहुत, ये समस्या नहीं है? समस्या बहुत है, बहुत। तो फिर ये समस्या नहीं है आरक्षण? इनको पानी पिलाने दो पहले। तो आप समस्या सुनने के लिए आए ना, समस्या बता रहा हूँ ना। ना बताओ बताओ, लेकिन आरक्षण की जो आप बात कर रहे हैं, आरक्षण है किधर? आरक्षण आर्थिक आधार पर आरक्षण दे रहे हो, संविधान में लागू है क्या? आप बताओ ना। तो क्या दिक्कत है? अगर संविधान की अगर, कितनी कलम, कितनी कलम, ये बताओ, ये बताओ, किसी गरीब को, किसी गरीब को थोड़ा आरक्षण मिलेगा आपका क्या जाएगा? हाँ, किसी गरीब को थोड़ा आरक्षण मिलेगा? आज तक नहीं, जो गरीबों का अन्याय होते थे तो तब आरक्षण नहीं दिखा क्या? ब्राह्मण गरीब नहीं हो सकता? ब्राह्मण गरीब, ये देश में जो दलित पिछड़ा वर्ग, क्यों हम इंसान नहीं है? आप ये समझो कोई ब्राह्मण होगा, दो पैर दो हाथ है, उसको कोई पूछ तो नहीं है? कोई अनुसूचित जाति का उसको कोई सिंह नहीं है? ऐसा बराबरी क्या? तो बराबरी नहीं है। ये देश का प्रधानमंत्री करना चाहिए, जातिवाद मिटाना चाहिए। जब तक ये देश का जातिवाद कौमवाद नहीं मिटता है, महंगा नहीं तो गरीब आरक्षण नहीं मिला। प्रधानमंत्री तो जातिवाद मिटा रहे ना, हिंदूवाद का नहीं, हिंदू बहुत हो ना, सबको हिंदू, ये देश हिंदूवाद। आप हिंदू नहीं हो? आप हिंदू नहीं हो? हिंदूवादी नहीं हो? अच्छा, मैं हिंदू नहीं। आप क्या हो फिर? आप हिंदू बोलते, सबको समान अधिकार दे दो। आप क्या हो फिर? आप हिंदू नहीं हो? इंसान हूँ, बुद्धिस्ट हूँ। हिंदू नहीं हो? बुद्धिस्ट हूँ। पहले बोलो हिंदू नहीं हो। पहले बोलो आप हिंदू है? नहीं हो। हिंदू धर्म कहाँ है? अच्छा, क्या हिंदू धर्म नहीं है? कौन से किताब में, इतिहास में लिखा है? देश में हिंदू सनातन धर्म चल रहा है। हिंदू धर्म है, लेकिन हिंदू धर्म कौन से इतिहास में लिखा है? हिंदू धर्म कौन से साल में स्थापित हुआ? अच्छा, सैकड़ों सालों का इतिहास है सनातन धर्म। मुझे बता ना, कौन से साल में हिंदू धर्म का इतिहास है? जब से इतिहास भारत में, जब लोग विदेशी आए, ये लोग विदेशी लोगों ने अपना धर्म चालू किया। अच्छा, तो हिंदू धर्म विदेशी धर्म हो गया? हिंदू धर्म आप कहते, हम हिंदू में है, भारत देश में कितनी जाति है, कितनी धर्म है? तो आप एक मुझे बात बताओ कि हिंदू धर्म है, सिख है, मुस्लिम है, जैन है, सब हिंदू में आते? अच्छा, आते है क्या? सब आते हिंदू में। कैसे आते? भागवत जी ने क्या बोला? मोहन भागवत ने क्या बोला? जो इंडिया में रहता
मानता है, सब हिंदू है। सब हिंदू कैसे हो सकता है, सब हिंदू मानते हो? अरे उनसे जाके पूछो, पहले जातिवाद नष्ट करो, उनसे जाके पूछो, धर्मवाद नष्ट करो। धर्मवाद मोहन भागवत ने क्या कहा, मोहन भागवत ने क्या कहा, तो आप जितने मोहन भागवत ने कहा, इशारे पे सरकार चलती है। मोहन भागवत ने कहा कि जो हिंदुस्तान में रहता है, इंडिया में रहता है, वो हिंदू है। सबसे सरकार चलती है, आरएसएस के साथ। अरे खुद का नाम लक्ष्मण है और हिंदू धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं। मेरे बाप ने गलत लक्ष्मण रख दिया। बाप ने गलत रख दिया तो नाम बदला क्यों नहीं? नाम लक्ष्मण, मैं लक्ष्मण जैसा है तो खुद ना बदला ना नाम। मैं इंसान हूँ, खुद नाम बदलो फिर। खुद का नाम लक्ष्मण है और हिंदू धर्म पे सवाल कर रहे हैं। अधिकार मिला है कायदा से, बदल सकता हूँ नाम भी, बदल सकता हूँ। पापा का नाम क्या था? आपके पापा का नाम? मेरे बाप का नाम ओंकार था। बाप का नाम ओंकार, बेटा लक्ष्मण, और हिंदू धर्म नहीं है। कुछ नाम से कुछ नहीं होता है, नाम एक पहचान होती है। नाम एक पहचान होती है। वैसे ही इंडिया की पहचान है कि इंडिया में जितने लोग रहते हैं सब हिंदू हैं। मैं बात सुने, आप इंडिया बोलते हो, हिंदुस्तान बोलते हो, हिंदुस्तान है कि इंडिया है? इंडिया है। इंडिया है, भारत है, हिंदुस्तान है, इंडिया है। कितने नाम है? चार नाम है। फिर ये सच्चा नाम कौन सा है? सच्चा नाम इंडिया है, भारत है। हाँ, फिर हिंदुस्तान क्यों बोलते हो? तो आप मोहन भागवत कह रहे हैं ना, उनकी बात नहीं मानोगे? आप मीडिया वाले हो, आप समस्या लोगों के सुनो, बताओ ना। आप मोहन भागवत की बात नहीं मानोगे? मोहन भागवत कौन, देश के प्रधानमंत्री है क्या? अच्छा, मोहन भागवत कौन है? तो प्रधानमंत्री की बात तो मानोगे? मोहन भागवत देश का कौन है? तो फिर वो बोल तो रहे ना, बीजेपी बीजेपी चल रही है, आरएसएस। नहीं नहीं, कौन सा काम करते हो? देश के लिए क्या काम करे? आरएसएस देश के लिए काम नहीं कर रही? किसके लिए क्या काम कर रही? देश की एकता के लिए काम कर रही है, देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए काम। ये आतंक लगाने का, ये करने का, लोगों को भड़का देने का, ये काम करती है आरएसएस? आरएसएस ये काम करती है? तो क्या करती है? ऐसे कैसे इल्जाम लगा रहे हो? और लगाए रहो ना, कौन सा देश की एकता और शांति के लिए काम करती है? आज देश की आप समस्या सुनते हो, माँ बहन को, बेटियों को अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। अच्छा। दिन में उनकी इज्जत लूटी जा रही है, वो देश में नहीं दिखता क्या? सरकार दिखता नहीं है? गरीबों के बच्चों को काम धंधा नहीं है, लोग पढ़े लिखे ग्रेजुएटों को नौकरी नहीं है। अच्छा, आरएसएस की बात नहीं मानोगे, मोहन भागवत की बात नहीं मानोगे, प्रधानमंत्री की मानोगे? प्रधानमंत्री राम मंदिर बना रहे हैं, जाके पूजा कर रहे हैं। सुनो, संविधान, प्रधानमंत्री इसमें कायदे बदल सकते हैं, संविधान को अधिकार है क्या? लेकिन संविधान का हिसाब यहाँ लागू नहीं होता है। संविधान का हिसाब यहाँ लागू नहीं होता? संविधान जब लागू होता है देश में, बाबा साहब ने अच्छा संविधान लिखा, देश का पूरे विश्व में नंबर वन संविधान है ये। देश का संविधान लागू होता ना, ये देश पूरे दुनिया में विश्व का नंबर वन होता। फिर तो संविधान लागू नहीं अभी? संविधान का पालन नहीं हो रहा देश में, तो क्या चल रहा है? मनमानी हो रहा है, हुकुमशाही चल रहा है। क्या मनमानी, क्या पीछे आओ, क्या मनमानी चल रही है? मनमानी चल रही है ना, अपने आप कायदे, हुकुमशाही चल रही है। संविधान नहीं चल रहा? संविधान के ऊपर कोई कानून नहीं चल रहा है। ये देश का बाबा साहब ने कानून लिखा है, सर्वसम्मति से पास हुआ है संविधान सभा में, फिर भी इसके देश का संविधान लागू नहीं। मोदी जी क्या चला रहे फिर? संविधान अपनी मनमानी चला रहे मोदी साहब। मनमानी चला रहे मोदी साहब? हाँ, आरएसएस के ऊपर चला रहे। और इतने मंदिर बन रहे, आपको खुशी नहीं हो रही? देखो, मंदिर मस्जिद बनाने से देश का विकास नहीं होगा। तो कैसे होगा? देखो, अब मंदिर आप बनाओगे, वहाँ गरीबों को क्या मिलेगा? अरे, देश को क्या मिलेगा? लोग वहाँ जाके मत्था टेकेंगे, सुकून मिलेगी, शांति मिलेगी। भगवान क्या काम धंधा देगा? नहीं देंगे। फिर आप क्यों जाओ ना भगवान मंदिर में, मुझे नौकरी दे दो। डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? डॉक्टर के पास जरूर मुझे इंजेक्शन लो, भगवान के पास मुझे इंजेक्शन लगा दो। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, ये देश में कोई भगवान नहीं है। लक्ष्मण जी पढ़े कितना है आप? पढ़े कितना है? मैं कुछ नहीं, दूसरी तीसरी कक्षा। अरे भैया, दूसरी तीसरी में इतना ज्ञान कहाँ से? ये तो खाली बोलने आता है इसीलिए बोलता हूँ। दूसरी तीसरी क्लास पढ़ के इतना ज्ञान किधर से आया आपको? अभी मैं इंसान हूँ, बुद्धि तो सबको है ना? सबको है बुद्धि? सबको बुद्धि है, लेकिन कोई बेचारा अनपढ़ है, जिसको नहीं, जो पढ़ना लिखना चाहते वो उसको नहीं आता है, जो मन में आता है बोल देते हैं। तो मोदी जी पढ़ाई लिखाई पे, रोजगारी पे ध्यान नहीं दे रहे? कहाँ ध्यान दे रहे, गरीबों को आज देखो प्राइवेटाइजेशन होगा, शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन होगा, क्या निजीकरण होगा, इससे गरीबों बच्चे अभी ग्रेजुएट नहीं हो पाएंगे। भारत तक जो मुफ्त शिक्षा मिलती है 8वीं तक, वो बच्चों को पढ़ाते ही नहीं स्कूल में। चलो, ये बहुत समस्या है। खाली खिचड़ी खिलाते हो, बच्चे खिचड़ी खिला के जाते हैं घर पे, उसको पूछो जो एसएससी पढ़ा लिखा उसको पूछो, इंग्लिश में सवाल पूछो, उसको नहीं आता क्या? आप सवाल पूछे उसके, उसका नाम पूछो, एड्रेस पूछो, क्या वो आता है कि बच्चों? जवाब देने नहीं आता, कुछ पढ़ा जाता है, कुछ सिखाते ही नहीं है, कुछ नहीं सिखाते, जो चाहे वो पढ़ाते ही नहीं है। वो भगवान का सब पढ़ाते हैं इधर। चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याएं पहुंचे जरा बीजेपी तक।
बीस रुपए सरकार तक पहुंचा दो, सरकार तक पहुंचा। हाँ, चाहे मुझे मार डालो। अरे कोई मारेंगे क्यों? अरे बोल रहा हूँ तो इतना बोल रहा हूँ, तो बोलने के लिए मार देंगे। अरे जो भी देश के लिए आवाज उठाता है उसको आतंकवादी घोषित करते हैं। ये देश विरोधी है। हम ये कौन सा कानून है? कौन करता है? सरकार कर रही, सरकार आतंकवादी बना देती है। अरे देश विरोधी बनाते हैं, देशद्रोही है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ तो दो तीन उसको मारो, जेल में डालो। ऐसा होता है? अभी GST लगा था, गरीबों को कितना टैक्स भरना पड़ता है। हाँ। दुकान पे जाते हैं उसको टैक्स, GST से कितना फायदा हो रहा है देश को। वन नेशन वन टैक्स, कुछ फायदा नहीं हो रहा है। गरीबों के ऊपर सब वसूल करते हैं GST। हाँ। दुकान में जाओगे GST लगाते। हाँ। तो गरीबों पे कपड़ा लेने जाओगे GST लगाते। सरकार गरीबों की नहीं है। ये देश जो है किसान और मजदूर के ऊपर चलता है। पूंजीपतियों को बने, पूंजीपतियों को मोदी फायदा पहुंचा रहे, गरीबों को कुछ फायदा नहीं है। देश में कुछ फायदा नहीं, गरीबों को सरकार एक तरफा शासन चलाना चाहते है। हमारा BJP का राज होना चाहे, कोई पार्टी का राज होने नहीं चाहे। हम ये कौन सा कानून है? अच्छा, इसीलिए आर्थिक तो लोगों को कमजोर किया जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज दिल्ली तक पहुँचा दे। बहुत धन्यवाद।